तो आज मैं आपको बिग बॉस 15 के ऑडिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि ये फुल डिटेल्ड ए टू जेड वीडियो है, जिसके अंदर मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, कैसे आपको वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, क्या इसकी फीस है और कैसे क्या सब करना है, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, काटेगा मत, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिग बॉस 15 का फिर से नया सीजन आ चुका है और आप सब लोग घर बैठे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ कि किस कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वह है कि आप 18 साल या इससे ऊपर के होने चाहिए, तभी आप बिग बॉस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और तीसरी बात है कि आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह होने चाहिए, जैसे आईडी कार्ड जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो बर्थ प्रूफ दर्शाती है वो आईडी प्रूफ में आ जाती है। तो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए बिग बॉस के अंदर ऑडिशन देने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग इसके अंदर ऑडिशन दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसके अंदर जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर जाने के लिए कोई भी चार्ज या पैसा नहीं देना है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वह फ्रॉड है, वह आपको बिग बॉस के अंदर नहीं लेकर जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए अपने वीडियो को कैसे शूट करना है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके वीडियो की लेंथ 50 MB होनी चाहिए, 50 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ सेलेक्टिव फॉर्मेट्स हैं, जैसे MP4 हो गया, FLV हो गया, तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, तो उस फॉर्मेट्स के अंदर ही जो है वीडियो सपोर्ट करेगा। और एक और बात बता दूं कि इसके अंदर लेंथ डिसाइड नहीं की गई है कि आपको इस लेंथ के अंदर ही वीडियो बनाना है, तो आप जितनी चाहे लेंथ का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम MB साइज है 50 MB, इससे ज़्यादा MB का जो है वीडियो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो वीडियो है, वीडियो में जो आपका फेस है बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके लिए आप कैसे भी करें, अच्छी लाइटिंग लगाएं या फिर आउटडोर शूट करें, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सनलाइट के नीचे जो है शूट करें, जिससे क्या है आपका फेस क्लियरली विजिबल भी होगा और अच्छे से उसके अंदर लाइटिंग कंडीशन आ गई। और लास्ट जो चीज़ उसके अंदर बताई गई है वह यह कही गई है कि आप उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि आपको उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ नहीं करना है, फेस को क्लियर रखना है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन रखनी है, वीडियो 50 MB से ऊपर का नहीं रखना है और आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी तरह से शूट कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और वीडियो को शूट करना है। लास्ट डेट क्या है सब मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसके अंदर वीडियो को कैसे अपलोड करना है, कैसे इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको इसके लिए वूट के अंदर जाना है। तो दोस्तों सारे प्रोसेस जाने के लिए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों बिग बॉस का ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना है गूगल के अंदर। ये देखिए मैंने खोल लिया है और इसके बाद जो है शुरू से मैं बताता हूं क्या करना है। आपको सर्च करना है बिग बॉस 15 ऑडिशन। ये देखिए मैंने बिग बॉस 15 ऑडिशन सर्च कर दिया है, इसको आपको सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस तरह से आपको सर्च रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और आपको ये दिख रहा है interactivity.com कुछ करके ऐसे दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, इस पेज को पूरा लोड होने देना है। तो ये देखिए बिग बॉस 15 के ऑडिशन का जो है रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है और आपको ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल कर देना है। तो इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद रिकॉर्ड योर वीडियो पर क्लिक करना है और अपना वीडियो अपलोड कर देना है। इन दोनों बॉक्स पर टिक करना है और अपना वीडियो को सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से सारी डिटेल भर देता हूँ। तो मैंने अब थोड़ा सा फॉर्म भर दिया है, अब मेरे को स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। तो मैं सिंपली स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कैमरा खुल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैं चलिए आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे अपलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दिया है।
यहाँ पर ये देखिए टाइमर शुरू हो चुका है कि इतना इतना टाइम जो है हो चुका है। ठीक है, और थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये तुरंत जो है ये मानता नहीं है। कम से कम आपकी 30 सेकंड की तो होनी चाहिए, तो 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। 30 सेकंड के बाद जो है रिकॉर्डिंग बंद करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वेट कर लेते हैं। ये देखिए अब लाल बटन इसके अंदर वापस आ चुका है, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए और ऊपर अब आ चुका है सबमिट और रिजेक्ट का ऑप्शन, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ये सबमिट हो चुका है। अब देखिए इधर जो है परसेंटेज लिखी हुई आ रही नीचे की तरफ, ये देखिए ये अपलोडिंग की परसेंटेज आ रही है कि कितना परसेंट अपलोड हो चुका है कितना परसेंट नहीं हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना है, इस पर लिखना है आई एम 18 ईयर ओल्ड और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। इन दो बॉक्स हैं, इन दो बॉक्स पर टिक क्लिक कर देना है। तो मैं टिक कर देता हूँ दोनों पे। तो इस तरह से अब मेरा पूरा फॉर्म जो है भर चुका है, तो अब मैं क्या करूँ सबमिट कर देने वाला हूँ। तो मैं अब सबमिट कर देता हूँ सिंपली। तो अब देखिए इस तरह से आपका जो है ये ऑप्शन आ चुका है, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, गो बैक पर जाना है। ये देखिए तो आपका जो है ऑडिशन सक्सेसफुली रिसीव मतलब सबमिट हो चुका है। तो आपको अब कुछ दिन वेट करना है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास अपना आप कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉल करके बता दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बिग बॉस का ऑडिशन देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बार इसके अंदर अपलोड वीडियो का ऑप्शन नहीं आया, मतलब इस बार बिग बॉस के अंदर जो है अपलोड वीडियो का ऑप्शन हटा दिया गया है, आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है, आप पहले से ऐसे प्लेस में बैठे जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सके और वहीं पर इस फॉर्म को भरना शुरू करें। तो इस तरह से आप बिग बॉस का फॉर्म भर सकते हैं, बिग बॉस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देख लिया आपने, आप इस तरह से ऑडिशन को दे सकते हैं और घर बैठे बिग बॉस के अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी से 30 मार्च, मतलब 30 मार्च को इसके ऑडिशन एंड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बिना देरी के इसके ऑडिशन को जरूर दें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ा चांस मिस हो जाएगा, जो भी बिग बॉस के दीवाने हैं, जो भी बिग बॉस के अंदर जाना जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें, फिर भी अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।